मथुरा प्रदेश सरकार के द्वारा बनवाई जा रही कान्हा पशु आश्रय गौशाला का कार्य महावन क्षेत्र में शुरू हो गया है। जल्द ही इस गौशाला का निर्माण करा दिया जाएगा। यह है मामला। प्रदेश सरकार के द्वारा बनवाई जा रही कान्हा पशु आश्रय गौशाला का निर्माण गोकुल क्षेत्र में शुरू हो गया है। गौशाला निर्माण की जानकारी देते हुए गोकुल नगर पंचायत अध्यक्ष संजय दीक्षित ने बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा कान्हा पशु गौशाला का निर्माण कार्य के लिए फ्ली किस्त आ गई है। 2 लाख रुपए फ्ली किस्त में सरकार ने भेजे हैं। जल्दी ही निर्माण कार्य को पूरा करा दिया जाएगा। संजय दीक्षित का कहना है कि सरकार के द्वारा 1.68 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है। इसकी फ्ली किस्त आ गई है। हम लोगों ने काम शुरू करा दिया है। जल्द ही गौशाला का पूरा निर्माण करा दिया जाएगा। जो आवारा पशु है, बेसहारा गाय है, उन्हें गौशाला में रखा जाएगा। किसानों की यह समस्या है वह दूर हो जाएगी। अभी हमारे जो गोकुल नगर पंचायत में आवारा पशुओं के लिए आगरण गौशाला मॉडल के हिसाब से पैसा मंजूर हुआ है और 1.68 करोड़ रुपए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने मंजूर किया है। उसकी जो पहली किस्त है गौशाला बनाने के लिए 82,95,000 रुपये की, वो हमारे यहाँ गोकुल के नगर पंचायत के अकाउंट में आ चुकी है। और इसी के साथ में हम गौशाला का निर्माण यहाँ चालू कर रहे हैं और उसमें आवारा पशुओं की संख्या कम से कम 500 रखने की वो मिली है। और उसमें हम इस हिसाब से करेंगे, सांड अलग रहेंगे, गाय अलग रहेंगी, छोटे बच्चे वो अलग रहेंगे, एक गाइड रूम बनाया जाएगा और बाकी का वहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल भी रखा जाएगा। उसमें भी एक आदमी लगाया जाएगा क्योंकि गायों को अगर कोई भी चोट वगैरह होती है, परेशानी होती है, तो उसकी भी व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है सरकार द्वारा। तो कब तक इसका कार्य पूर्ण होगा, क्या रहेगा काम का? हमारा हमको मार्च और अप्रैल दिया गया है, 2 महीने में हम देखते हैं ज्यादातर काम को खींचेंगे। अप्रैल तक हम गौशाला को पूरी कर देंगे और उसके साथ में ये भगवान कन्हैया की नगरी है, उसके लिए ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो और यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को भी इसका फायदा। कितनी स्ट्रेंथ रहेगी?